अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 15 रोज़ा है, मैं इफ्तार के लिए प्रिपेयर करे 10:20 हो रहे हैं यहाँ पर, टाइम 26 तारीख है। इफ्तार के लिए आज मैं दही वड़ा बना रही। ये है उड़द की दाल, गोल वाली है ये। ये 1 गिलास उड़द की दाल लेके इसको भिगोने रख देना है, फिर 2 दिन पानी से अच्छे से धो लेके इसको 4-5 घंटे भिगो के रख लिए तो अच्छे सॉफ्ट आते बड़े। 1.5 ग्लास डाल रही मैं उड़द की दाल, बस हो जाते, बहुत हो जाते वही। उड़द ब्राउन वाली इसको मिक्सी कर ले रही दाल को, देखो अच्छे से नरम होगी दाल। इसमें ऐड करी 1 हरी मिर्ची, 4-5 स्लाइस हल्दी कर लिया और जीरा, इसको डाल के हम मिक्सी कर लेंगे। देखो इसको अच्छे से मिला लेंगे, वन अच्छे मिला लेते रहना इसको। मैं अच्छे से इसको फेर ली, इसको पानी में डाल के देखेंगे इसका घोल। देखो बैटर रेडी होगा अपना। इसको 10-15 मिनट्स के लिए उसको वैसे ही प्लेट ढाप के रख लेंगे। यहाँ ऑयल रख दे गरम होने के लिए लो फ्लेम पे। इधर हल्का सा गुनगुना पानी भी गरम हो रहा वड़ों के लिए, स्टोव ऑफ कर देती इसका। मैं यहाँ पर एक एक करके वड़े डाल रही, ज़्यादा बड़े नहीं डाल रही, मीडियम से डाल रही, ऑलरेडी वो फूल के बड़े हो जाते। लो फ्लेम में ही बनाना नहीं तो अंदर कच्चा कच्चा रहता। किस किस को दही वड़ा पसंद है बोलो, कमेंट करके बताओ। ये तो मेरा फेवरेट है दही वड़ा, और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद दही वड़ा। आज उनके भी घर में इफ्तारी में दही वड़ा बन रहा, वहाँ पर भी इसको एक एक करके मैं हल्दी से पलटा ली। देखो थोड़ा सा कलर चेंज होना हमारे बड़ों के, तारी बना के जल्दी से ये दाल खाना भी बनाना है। इसके बाद मुझे बाहर जाना है, कुछ ड्रेसेस अल्ट्रेशन के लिए देना है मुझे। चलो अम्मी मेरे पास आओ यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए। आपका फेवरेट बनाई मैंने यहाँ पर दही वड़ा, एक एक करके मैं प्लेट में निकाल लेती इसको। चलो इसको निकाली, जो बचे बचे दही वड़े इसमें डाल के बना लेती हूँ। मैं लाइट गरम नहीं है, मीडियम है वाटर, इसमें मैं थोड़ा कोथमीर डाली और थोड़ा सा नमक डाली। इसमें मैं जो है दही वड़े वो एक एक करके ऐड कर लेती हूँ, भीगते रहते अच्छे से। ये अच्छे से भीग गए, फिर इसको अच्छे से पानी निकालेंगे सा, हाथ से मल लेके इसको वाटर पूरा निकालेंगे। एक कोथमीर डालने से अच्छा टेस्ट रहता, टेस्ट आता। आप लोग ज़रूर ट्राई करो इसी रेसिपी को। हर इंसान की रेसिपी अलग अलग मेथड से बनाते हैं हर इंसान, बनाना तो वही है दही वड़ा छे, लेकिन हर अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते। कमेंट करके बोलो कौन कौन अलग अलग बनाते। थोड़ा तक मेरे पास इस तरह से घट है, दही है, इसको मैं अच्छे से फेंट लेती दही को भी। अच्छा घट है दही, और ये खट्टा दही है, मीठा दही नहीं लेना दही वड़े के लिए, खट्टा दही लिए ना ज़बरदस्त बनता। अब तो फिलहाल मैं रोज़ा है, रोज़ा इफ्तार के बाद बताती आप लोगों को मैं दही वड़ा कैसा बना, मेरा टेस्ट करके बताती। और हस्बैंड से बच्चों से भी पूछने लगा थी कि दही वड़ा कैसा बना, उसको इतना गाढ़ा रहना दही। थोड़ा वाटर ऐड कर सकते,
मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करती, इसमें बहुत गाढ़ा है। मैं इसमें एक एक करके वड़े को रख लेती, इसके ऊपर दही डाल के दही से बघारती। थोड़ा से वड़े मैं साइड में रख ले रही क्योंकि मुझे चाट बनाने का है उसका, दही वड़ों का चाट बनाना है मेरे को। मैं देखो इतने साइड में रख ली, मैं इसके ऊपर ऐड करती दही। जो मैं बची हुई मेरे पास कुतमी थी जो वाटर में डाली थी ना, वही कुतमी से इसका गार्निश कर ले रही मैं। इसको अच्छे से लाल मिर्ची और जीरा राई से बघार लेना है। इसमें हरी मिर्ची, जीरा सॉरी लाल मिर्ची, सूखे जीरा राई बघार के लिए इसमें ऐड करें। फ्रिज के लिए प्रिपेयर करके ऑलरेडी पहले ही बना के रखी, मेरा ऑलरेडी वो तेल है उसमें गर्म होके मैं एक करके समोसे ऐड कर ले रही। ये फिर मेरे समोसे है, इसका मैं चाट बना रही। हम इसको ऐड करते दही, मैं ऑन कर दिया। गाइस अपन चाट और समोसे खा रहे, देखो यहाँ पर देखो तो गाढ़ा गाढ़ा देंगे। इसके अंदर समोसे, इसके अंदर चाट और इसके अंदर थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा ग्रीन चटनी। वो ग्रीन चटनी नहीं पसंद। और थोड़ा स्वीट, ये टमाटर, इमली की चटनी। गाइस क्या लुक आ रहा देखो। और ये ऊपर से सेव, इसको कैसा खाना देखो। चाट है ये, चाट बनाए मम्मा रेस्टोरेंट जैसा, पानीपुरी के बंडिया पे मिलता नहीं चाट वैसा चाट। वो पूरा भरा। फ्रेंड देखो हमारा चाट रेडी हो गया दही वड़े का, कितना अच्छा लुक आया देखो। सप्ताह के बाद इसको जम जमा के खाना है, सप्ताह के टाइम भी हो रहा। फ्रेंड्स रयान खा रहे, बहुत मज़े का बना मम्मा, बहुत अच्छा बनाए बोल रहे, कहाँ से सीखे मम्मा बोल रहे। देखो फ्रेंड्स क्या जबरदस्त बन देखो। तो मुँह में पानी आ रहा, शायद किस किस कुछ ऐसा चाट पसंद है ना, कमेंट करो मालूम होता। बाहर खाने से घर में खाए तो बहुत मज़ा आता, बाहर का भी मज़ा आता लेकिन घर में ज़्यादा खा सकते, बाहर कम खा सकते। की हम लोगों की इफ्तारी लस्सी बना रहे हैं। नहीं डाल लिखते सर, नहीं डाल दही च नहीं दिख रहा उसमें कहा दही रहे ना दही गाढ़ा डाल नहीं मंगाई मंगाई मारा खूब।
मिर्ची डालो उसे तो अल्लाहुम्मा लकसंतु कबीकामंतु वालेका तवक्कलतु वाला रिस्काफ्तरतु अल्लाहुम्मा लकसंतु कबीकामंतु बिस्मिल्लाह कितने बार पढ़ाते रहे हैं रहियान बोलो बिस्मिल्लाह लस्सी जबरदस्त है लस्सी अच्छा रहा तुम पी के देखो कैसा रहा बोलो लस्सी अब पी लिए पूरी लस्सी अच्छे थे डाल तो साइड से डाल इसमें दही वड़ा खाती कैसा बना से बोलती आप लोगों को हस्बैंड बच्चों को तो पसंद आया चाट तो बहुत ज़बरदस्त आया बोले है कि बनाए ऐसे है अभी फुल टाइट होगा पेट समोसे तरबूज और वो चाट खा लिए थोड़ा दही वड़ा आज खाना नहीं खाती मैं बहुत टाइट होगा पेट माशाल्लाह ज़बरदस्त बना दही वड़ा भी देखो कैसी मैं आप लोग सोचते इफ्तार में वो बनाओ ये बनाओ न तो बाहर से ला लेंगे वो ला लेंगे इतने सारा बच गया खाते नहीं खाने को तो दिल बोलता रोज़ा खोलने में ढिल्ले हो जाते आप लोगों के घर में भी ऐसी छेता देखो हमारे घर में तो रोज़ का रोज़ ऐसी बच जा रहा खा रहे नहीं कुछ नहीं ये बनाओ वो बनाओ इफ्तार में नहीं तो बाहर से ला लेंगे वो ला लेंगे बाहर से लाए तो भी वही छे घर में बनाए तो भी यही छे इतना सब बच गया देखो रोज़ा खोलने में ढीले हो जाते नहीं समोसा नहीं बचा समोसे नहीं बचे कि खीमा था उसमें समोसा खा लिए अबू नमाज को चले गए तुम नहीं गए नमाज को इसके आलू क्यों डाले समोसा के अंदर ठीक है फिर इफ्तारी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ लेती नमाज के बाद मिलती है आप लोगों से गाइस हमारा मम्मी नमाज पढ़ रहे गाइस हमारी मम्मी नमाज पढ़ रहे थे और है ना मेरे मम्मी से है ना नमाज पढ़ रहे थे कि मैं पूरा साफ कर दिया अभी बस लास्ट है फ्रेंड्स आपके मम्मी को हेल्प करो मम्मी ना रोजा रह के थक जाते काम कर ले तो अपन को सवाब मिलता फ्रेंड्स घर में हेल्प करो मेरे चैनल को कमेंट करो और है ना सब लोग लाइक करो और मेरे सब्सक्राइबर पीछे हो जा रहे करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो बाय बस जो चाय पीने का सुकून मिलता ना वाह क्या सुकून रहता है इफ्तार की बात की चाय चाय रहती होली है एक तो गुस्सा एक चाय पी के बर्तन धोना बोले तो इफ्तार के बाद बहुत मुश्किल का काम है वो देखो मेरा बच्चा पूरा
क्लीन कर दिया, मैं नमाज पढ़े तक। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, रयान बहुत हेल्प कर रहे मम्मा को। यमी फ्रेंड्स, हम लोग है ना रोज़ा खोले बासे है ना, ये हेल्थों के साथ चट पिए, थोड़ा वीकनेस हो रहा था और थोड़ा रोज़ा लगा भी, हस्बैंड भी ड्यूटी जाके आए, थोड़े ढीले हो गए, तो हम लोग है ना ये हेल्थों के साँचट पिए, बहुत रिलीफ हुआ। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करो ये साँचट के लिए, धुपकाले में तो बहुत अच्छा हेल्पफुल होता। ये 25 का है शायद, मुझे मालूम नहीं इसका, बहुत टेस्ट रहता, ऑरेंज का फ्लेवर रहता, हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये। मैं आई होप के वीडियो यहीं एंड करती मैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रयान रजन बहुत सता ले रहे, डिस्टर्ब बहुत कर रहे। मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, दुआ में दरख्वास्त।